दोस्तों नमस्ते। सुलेख विलेज किचन में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं साउथ के सबसे प्रसिद्ध मिठाई। इसे साउथ के लोग बहुत पसंद करते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप सब हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं और इसे आप दुकान पर भी ले सकते हैं। चावल के आटे के हिसाब से हमें चीनी लेना है। आटा हमारा 2 कटोरी है, चीनी हमारी 1.5 कटोरी है। चीनी को हमें ज़्यादा नहीं लेना है, हिसाब से ही लेना है। अगर हम ज़्यादा चीनी डाल देते हैं तो खाने में हमको मज़ा नहीं आता है और इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आता है, पूरा चीनी जैसा लगता है। सबसे पहले हम इस चावल को अब भुनेंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, इस पर हमने अपना पैन रख दिया है। अब इसमें हम चावल के आटा डालकर भूनते हैं। इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। इसे हम बिल्कुल बराबर चलाते हुए भुनेंगे। ये हमारा बिल्कुल भुनकर तैयार हो रहा है, इसकी खुशबू भी आने लगी है। इसे हम थोड़ा और भुनेंगे। ये हमारा 4 से 5 मिनट हो गया है, ये हमारा भुनकर तैयार भी हो गया है। अब एक प्लेट में हम निकाल कर रख देते हैं। एक प्लेट में हमने निकाल कर रख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब इस पर हम अपना पैन रखते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें दूध डालते हैं। दूध को हमने 2 गिलास डाला है। अब इसे हम गर्म करते हैं। जब तक हमारा एक उबाल नहीं आता है तब तक हम इसे गर्म करेंगे। गैस को आप हाई फ्लेम पर रख सकते हैं क्योंकि हमें दूध को उबालना है। एक उबाल हमारा आ गया है, आप सब देख सकते हैं दूध हमारा कितना अच्छा उबल रहा है। अब इसमें हम चीनी डालते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कलर फूड डालेंगे। अगर आप कलर फूड नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर फूड डालने से इसका कलर चेंज हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सारी चीज़ डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से और पकाते हैं और इसका थोड़ा सा टेक्सचर गाढ़ा हो जाए। 4 से 5 मिनट हमारा हो चुका है। फिर सबसे पहले हम नारियल का
सारे पीसेस बनके हमारे तैयार हो चुके हैं और हम फ्लेवर लाने के लिए इसमें थोड़ा नारियल का मुरादा ऐड करेंगे। हम सभी बनाकर तैयार करते हैं। नारियल का मुरादा हमने ऐड कर दिया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। खाने में हमें दोनों का फ्लेवर मिलता रहेगा। और थोड़ा लुक लाने के लिए इसमें हम एक एक बादाम इसमें ऐड करते हैं। बादाम लगाने से कितना लग रहा है टिमटिम। तो अब ये बनकर पूरा तैयार हो गया है, आप सब देख सकते हैं। तो ये लग रही है बाजार की मिठाई। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये हमारी साउथ मिठाई आप सबको कैसे लगी। ये साउथ मिठाई लोग बहुत खाने में पसंद करते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके घर कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, आप इस साउथ मिठाई को बनाकर आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये साउथ मिठाई बाजार के मिठाई से इसका स्वाद अलग ही होता है। तो दोस्तों, ये हमारी साउथ मिठाई आप सबको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि आप सबके कमेंट से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो आप सब हमारा साथ इसी तरह से देते रहिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन ये हमारी साउथ मिठाई आप सबको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।